أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتجر بموسى ومن معه ألا إنما تائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنك معك بني إسرائيل فلما كشفنا لهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जो तज़किरा इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि दलाइल के मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को और जो फिरौन के साथ जादूगर थे, चाहे वो डिबेट्स का मामला हो, चाहे वो जादूगरी के करतब का मामला हो, या जो भी वो अपने तौर पे प्रोपेगेंडा कर सकते थे, अपने तौर पे वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते थे अपनी कौम की, उन तमाम चीज़ों को मूसा अलैहिस्सलाम ने दलाइल के ज़रिए और अल्लाह ताला की मदद के ज़रिए जो है वो ज़ेर कर दिया था। तो अब फिरौन ने, जाहिर है कि जो जाबिर और ज़ालिम बादशाह होते हैं, जिनको क़ुव्वत का घमंड होता है, वो ऐसा नहीं कि दलाइल के मैदान में हार जाने के बाद जो है वो अपनी हार को तस्लीम कर लेते हैं और ईमान ले आते हैं, ऐसा नहीं होता। आम तौर पे इंसान का तकब्बुर जो है, इंसान का घमंड जो है, इंसान की बड़ाई का एहसास उसको हक़ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। लिहाजा फिरौन ने फिर ये किया कि फिर हम अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल किया और बनी इसराइल में फिर उसी तरह कत्ल व गारतगिरी शुरू कर दी जैसा मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त किया था। और इस चीज़ का हमने तफसीली तज़किरा जो है वो सूरह कसस के शुरू में पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा जो ये साइकिल रिपीट हुआ है तो इसका जिक्र जो है सूरह आराफ में पिछली आयतों के अंदर हमने पढ़ा है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फिर इनक्रेज किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल की हिम्मत में इजाफ़ा किया है, उसका भी तज़किरा हमने सूरह आराफ में पढ़ लिया। हम उसके आगे का अब जिक्र पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वलकद अखज़ना आला फिरऔन, कि हमने पकड़ लिया फिरऔन को और उनके मानने वालों को बिस्सिनीन। सिनीन कहते हैं असल में लैक ऑफ प्रोडक्शन या कहत साली जिसको कहा जाता है, कहत, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फिरऔन और उसकी कौम के ऊपर कहत भेजा, प्रोडक्शन जो है उनकी ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर अगर यानी कहत साली पड़ जाए, ज़मीन जो है पैदावार नहीं प्रोड्यूस करे, और एग्रीकल्चरल नहीं, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर पैदावार ज़मीन प्रोड्यूस नहीं करे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आपकी खड़ी ही खड़ी रह जाएंगी और पूरी की पूरी जो है इंसानी आबादी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो असल चीज़ जो है वो फूड प्रोडक्शन होती है इंसानी, इसके अंदर जो इकोनॉमिक डाउनफॉल मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर होता है, वो चाहे तो इंडस्ट्रियल होता है या और भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ट्रेड एंड कॉमर्स में होता है। तो वो जो डाउनफॉल होता है ना, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कंट्रीज़ के अंदर, उससे जो है वो भूखमरी पैदा नहीं होती इनिशियली कम से कम, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होना बंद हो जाएं और ज़मीन ही जो है पैदावार बंद कर दे, जैसा कि हमारे जहन में कहत साली का तसव्वुर ये है कि बारिश नहीं होगी तो ज़मीन में पैदावार नहीं होगी, लेकिन सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल कहत जो है, असल तहत साली ये है कि बारिश खूब हो और ज़मीन अपना सब्ज़ा ना उगाए, ज़मीन जो है वो अपनी प्रोड्यूस ना उगाए, तो असल तहत साली ये है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने फिरौन को तहत साली में पकड़ लिया, तहत यानी फिरौन और जो उनकी कौम थी इजिप्ट में, उनको जो है वो ड्रॉट्स
और उनको प्रोडक्शन, लैक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की सिचुएशन उनके यहाँ पैदा हो गई, वनक्सिम मिनस समरात, और उनके फलों में कमी हो गई, यानी उनका जो प्रोड्यूस था, उनका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था, उसमें बहुत कमी होगी। लअल्लहुम यज़क्करून, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि वो नसीहत हासिल करें। वही अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि बड़े अज़ाब से पहले, बड़ी पकड़ से पहले छोटी छोटी पकड़ें अल्लाह ताला जो है भेजता रहता है। छोटी छोटी जो परेशानियाँ और छोटी छोटी, यूँ समझ लीजिए कि यानी अज़ाब असगर जिसको कह लीजिए, कि छोटा अज़ाब जो है वो अल्लाह ताला भेजता रहता है दुनिया के अंदर। अब जाहिर है जो छोटा भी अज़ाब आएगा या दुनिया के अंदर कोई भी अज़ाब आएगा, वो किसी न किसी प्रोसेस के तहत आता है ना। तो जस्ट बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस डज़ नॉट मीन कि अल्लाह का अज़ाब वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बीमारी फैल गई अगर अल्लाह के अज़ाब से, तो बीमारी फैलने का एक ज़ाहरी कॉज है ना, कि यानी वायरस है या फिर उसके बैक्टीरियाज़ हैं या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन वो कम्युनिकेट करते हैं या फिर उनका एक वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन होता है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, यानी बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, उससे कोई एतराज़ नहीं है और वो अपने अपनी जगह बिल्कुल हक बात है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाई विच दैट ट्रांसमिशन इज़ हैपनिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग यू कैन डिनाई कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं है, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है। फिरौनियों ने भी जब देखा कहत साली पड़ रही है और फलों में क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन्होंने भी यानी उसको समझा, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको समझ में आ रहा था कि ये कीड़े पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस लॉस हो, प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन कम हो गया है, ये जो है इस किस्म की माहौलियात में तब्दीली हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। तो हर अजाब जो अल्लाह की तरफ से आता है उसका एक ज़ाहिरी कॉज होता है। अल्लाह ताला ने जो ये आलम है वो एक असबाब, वो एक सर्टेन जो मेथडोलॉजीज़ हैं, नेचुरल कवानीन हैं, उनके ताबे बना रखे हैं। लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह के अज़ाब नहीं है। तो ये एक आम गलतफहमी हमारे जहनों में, आम इंसानों के जहनों में अभी के ज़माने में होती है कि जस्ट बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड दी हैपनिंग ऑफ अ प्रोसेस डज नॉट मीन के दैट प्रोसेस नॉट फ्रॉम अल्लाह। जैसे हम कहते हैं बारिश अल्लाह बरसाता है, तो बिल्कुल ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी होता है कि बारिश इसलिए बरसती है कि वो पानी जो है वो कंडेंस हो जाता है क्लाउड्स के अंदर, और जब वो काफ़ी ऊंचे मुकाम पर चला जाता है और फिर सन रेज उस पर पड़ती है, तो वो पानी जो है वो कंडेंसेशन से फिर उसकी जो है वो वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और जब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसका वेट जो है स्टीम्स यानी बादल उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो वो ज़मीन में बारिश के तौर पर बरस जाती है। तो दिस इज़ दी नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ दी नेचुरल प्रोसेस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा, यानी ये कायदे ये कवानीन ये अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, ठीक है, कि यानी सूरज की रोशनी पड़ेगी बर्फ़ के ऊपर तो वो पिघलेगा और फिर वो पिघलेगा तो बारिश होगी, है ना, और सब्लिमेशन इवापोरेशन ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू एक्सप्लेन दोज प्रोसेसेस डज नॉट मीन कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना एक तसव्वुर आम पढ़े लिखे नौजवानों में ख़ास तौर पर होता है कि जब किसी चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो इस वजह से होता है। जो वजह आप बता रहे हैं वो सिर्फ प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे होता है, क्यों होता है, का जवाब यही है कि अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने उन प्रोसेसेस में वो ताकत रखी है, वो सलाहियत रखी है कि जब वो एक के बाद एक होंगे तो सर्टेन चीज़ें होंगी, यानी यूनिवर्स के अंदर तब्दीली होंगी और फिर वो चीज़ें होंगी। तो यही मामला जो है अल्लाह के अज़ाबों का भी होता है कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो उसका भी एक नेचुरल कॉज होता है, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह का अज़ाब है, इससे कोई डिनाइल नहीं हो सकता। यही मामला फिरौन के साथ भी हुआ था। मुझे आप एक मिनट का वक्त दें, मुझे लैपटॉप को ज़रा चार्ज में लगाना है। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो अल्लाह ताला ने यह बयान किया कि हमने फिरौनियों को अपने अजाब में, अपनी कहत साली में पकड़ा और उनके समरात यानी उनके जो प्रोड्यूस थे उसमें कमी की ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़ैज़ जात हमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही। अब ये एक ऐसी कौम की रविश बयान की जा रही है जो आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर चाहे इस लेवल ऑफ एक्सट्रीमिटी के डिग्री में मौजूद ना हो, लेकिन बहुत सी अकवाम के अंदर, दुनिया के अंदर मौजूद होती है, बहुत से नेशंस के अंदर ये बात होती है। और क्या बात है, अल्लाह ने कुरान में क्या कही, फ़ैज़ जात हमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, कि जब उनके पास कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा मामला हो जाता है, तो वो कहते हैं ये हमारी तरफ से है, ये हमारे लिए है, ये हमारी मेहनतों का नतीजा है। वह इन तुसिब हम सई अतुन यतयरू बि मूसा व ममाऊ, और कोई बुरी चीज़ अगर हो जाती थी तो वो कहते थे ये मूसा और उसके साथियों की नहूसत और उनकी बुरी कारिस्तानियों की वजह से। तो आप देखें कि यानी ये चीज़ जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है जो आज के ज़माने में नहीं होती है, हर ज़माने में ये होता आया है। अगरचे फिरौनियों के यहाँ ये चीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर मौजूद थी, लेकिन आप देखें कि हर ज़माने में ऐसा होता आया है। खुद यानी
आपने भी महसूस किया होगा इस चीज़ को कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको एस्क्राइब किया जाता है ख़ुद अपने ऊपर, और जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो बुरे असबाब हैं, बुरे मामलात दुनिया के अंदर होते हैं, उसका ठेकड़ा किसी और के सर पे फोड़ दिया जाता है, आम तौर पे अहले ईमान के सर पे फोड़ दिया जाता है। और यही हरकत जो है फिरौनियों ने भी की थी। फ़ैज़ जातुमुल हसनतु, जो अच्छी चीज़ होती थी उनके साथ, क़ालू लना हाज़िही, तो ये हमारे लिए है, ये हमारी वजह से है। वह इन तुसिबहुम, और जब वो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाते थे, यतय्यरू बिमूसा वमन माअहू, तो इस चीज़ की नहूसत जो है वो मूसा और उसके साथियों को करार दे देते, यानी ये कहते थे ये मूसा और उसके साथियों की कारिस्तानी की वजह से ये सब हो रहा है। यानी तमाम जो मामला है वो ब्लेम गेम का होता था, बुरी चीज़ों का ब्लेम जो है वो ख़ुद पर नहीं लेते थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की तरफ डाल देते थे, फिरौनी ये सिद्दी कौम जो थी। और जो अच्छी चीज़ होती थी, चाहे वो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का रोल हो चाहे बनी इसराइल का रोल हो, वो कहते थे नहीं ये तो हमारी वजह से, असल में तो हमारे अंदर ये सलाहियत है। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाही, अल्लाह ताला फरमाता है कि याद रख लो कि उनकी जो बदनसीबी है वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से थी। यानी ये ना समझे कि वो मूसा और उसके साथियों की वजह से है, बल्कि उनको जो भी मशक्क़त आती है उनकी अपनी कमाई, अपनी बुराइयों के नतीजे में आती है। वलकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो इस बात को नहीं जानती थी। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली डिटो ट्रू फॉर ऑल सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली। वो क्या होता है कि यानी स्पेशली ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ थोड़ा सा आप देखते हैं कि एंटी इस्लामिक रेटोरिक बहुत कॉमन होता है, उन सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ आप बहुत कॉमन देखेंगे कि वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी नस्बत खुद की तरफ करते हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं उसकी नस्बत जो है वो अहले ईमान की तरफ कर दी जाती है। यही मामला मूसा और फिरौन के केस में भी हुआ था, और मूसा और बनी इसराइल को भी इसी तरह के ब्लेम को सहना पड़ता था। तो असल में अहले ईमान के जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उनके साथ अगर कभी जुल्म हो, और अगर कभी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो, और अगर उन्हें कभी ब्लेम किया जाए, तो अगर उनकी गलती है तो फिर तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन अक्सर यानी ह्यूमन हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि ब्लेम ना होने के बावजूद जो है वो उन्हें ब्लेम किया गया है, और ये बात कोई नई नहीं है, फिरौन के ज़माने से होती आई। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू महमा, अब ये अल्लाह ताला बयान कर रहा है फिरौन के कौम की रविश। वकालू महमा तातिना बिही मिन आयातिन लितसहरना बिही बिहा, कि अब फिरौन की कौम ने, फिरौन का जो एक यानी यूँ समझ लीजिए कि जो बॉडी थी, गवर्नमेंटल बॉडी, और जो फिरौनियों की आम कौम थी, उनका एक आम रविश वो ये थी, वो कहते थे कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप कोई भी निशानी ले आएँ अपनी नबूवत की सदाकत की, आप कोई भी प्रूफ ले आएँ अपने आप को अल्लाह की तरफ से सच्चा साबित करने के लिए, फ़मा नहनू लका बिमुमिनीन, हम हरगिज़ आप पे ईमान नहीं लाएंगे। इससे ये चीज़ समझ में आई कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो दावती मराहिल के आखिरी दौर में हमेशा कौमों के ज़रिए कह दिए जाते हैं, इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट्स। क्योंकि जब दावत और तबलीग एक मुकाम को क्रॉस कर जाती है, एक टाइम पीरियड क्रॉस कर जाती है, तो हमेशा कौम जो होती हैं, जो जिनका बुरा होना बिल्कुल साबित हो जाता है। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि दावत के इनिशियल फ़ेज़ में कौम बात बहुत सी चीज़ें अम्बिया अलैहिस्सलाम की मान लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को वो तस्लीम कर लेते हैं, बहुत से लोग ईमान ले आते हैं, लेकिन एक पीरियड ऑफ़ टाइम के बाद उनके अंदर एक रेजेंटमेंट पैदा हो जाता है। एक पीरियड ऑफ़ टाइम के बाद हक बात को लेके उनके अंदर एक बुग़्ज़ और अना का जज्बा पैदा हो जाता है, और ये जज्बा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कौमें अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम से, कौमें अपने इस्लाह करने वालों से, कौमें अपने ऊपर दावत व तबलीग करने वालों से, कौमें अपने ऊपर जो है वो इस्लाम की दावत देने वालों को खुल के ये कह देती हैं कि आप कुछ भी समझा लीजिए, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे। और यानी अक्सर हम लोग कुरान को ना अपनी सोसाइटी से डिटैच करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हरगिज़ ना समझिए कि ये मामला जो है वो सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन तमाम जो दाइयान हक़ हैं, तमाम वो लोग जो अल्लाह की बातें करते हैं और सही तरीक़े से करते हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करते हैं, उनके साथ ये मामला कम व बेश है ना किसी न किसी लेवल पर ये मामला होता है कि जब उनकी दावत और तबलीग का एक अरसा गुजर जाता है, ठीक है, तो फिर कौमें कह देती हैं कि हम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। और ये दरहकीकत अल्लाह की तरफ से हुज्जत उनके ऊपर कायम हो जाती है कि उन्होंने अपनी ज़बान से कह दिया, उन्होंने अपने ज़बान काल से, अपनी ज़बान हाल से ये कह दिया कि हम किसी हाल में ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। तो अब ऐसी अकवाम जो बार बार दावत और तबलीग के बाद भी अल्लाह की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं, वो अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह की ट्रेडिशन के मुताबिक, अल्लाह के तरीक़े के मुताबिक, अल्लाह की जो एक वे है डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद डिसबिलीविंग पीपल, उसके मुताबिक ऐसी कौम मुस्तहिक हो जाती है अल्लाह के अज़ाब, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, यानी जब अल्लाह के नाफरमान बंदे अपने एक्शंस के ज़रिए जो है अपने ऊपर अजाब को साबित कर लेते हैं, यानी जैसे कहते हैं ना कि किसी स्टूडेंट के बारे में कभी कोई टीचर कहता है ना कि अब तुमने अपने अब फेल होना अपना मुकद्दर बना लिया है, जब वो देखता है कि वो पढ़ ही नहीं रहा, वो किताब को टच ही नहीं कर रहा, वो लेक्चर सुन ही नहीं रहा, वो घर पर रिवाइज ही नहीं कर रहा, बल्कि उसने किताबों को बिल्कुल पीछे फेंक रखा है और कह रखा है कि मैं कभी किताब नहीं उठाऊँगा, तो जाहिर है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी अगर वो ये काम नहीं करता तो फिर फेल हो जाना उसका मुकद्दर बन जाता है, है ना। इसी तरह अल्लाह की हुज्जत भी है जो कायम होती है अक़वाम के ऊपर, कौमों के ऊपर, वो इसी तरह कायम होती है कि जब वो अपनी ज़बान से इस बात का इनकार कर देते हैं, जब वो अपनी ज़बान से ये बात कह देते हैं कि हम हरगिज़ तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, चाहे वो ज़बान हाल से हो, अपने बिहेवियर के ज़रिए वो शो करते हैं कि हम हरगिज़ तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, या अपनी ज़बान के ज़रिए शो कर दें, तो ये हुज्जत और ज़्यादा तमाम हो जाती है उनके ऊपर कि अब ये हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। अब अल्लाह ने, मैंने आपको बताया कि अल्लाह की सुन्नत रही है कि वो पहले छोटे अज़ाब भेजता है ना, यानी कोई कौम अगर किसी कौम को अल्लाह ने ढील दे रखी हो, उस पर दावत तबलीग पहुँच जाए और फिर भी वो ईमान न लाए, तो अल्लाह ताला उसको छोटे अज़ाब में गिरफ़्तार करता है, उसका ज़िक्र यहाँ आया है। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयतें मुफस्सिलात, कि फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर भेजा, क्या क्या चीज़ भेजी, एक तूफ़ान भेजा, ठीक है। तूफ़ान आप जानते हैं, यानी आम तौर पे अरबी ज़बान में तूफ़ान जो है वो हवा के या पानी के तेज़ बहाव को कहते हैं, उर्दू में तो हवा के लिए भी कहते हैं, अरबी में वो पानी के तेज़ बहाव जिसके ज़रिए जो डिस्ट्रक्शन हो जाए उसके लिए तूफ़ान आमतौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हज़रत क़तादा और हज़रत मुजाहिद रहीमुल्लाह के नज़दीक, ये बहुत बड़े मुफस्सिर हैं दो, और ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के स्टूडेंट हैं, तो इन दोनों के नज़दीक असल में यहाँ तूफ़ान से मुराद जो है वो पानी का तूफ़ान नहीं है, बल्कि इससे मुराद कोई ख़तरनाक बीमारी है जो फिरौनियों में फैल गई, वल्लाहु आलम, ठीक है, ये एक ओपिनियन है। फिर फरमाया और क्या अल्लाह ताला ने भेजा, यानी अज़ाब के तौर पर और क्या भेजा, वो भेजा वल जराद, जराद कहते हैं टिड्डी को, यानी अगर आप तफासिर पढ़ें तो उसमें पढ़ेंगे कि टिड्डियों की इतनी बड़ी तादाद जो है वो मिस्र के अंदर घूमने लगी कि जो फिरौनी थे आमतौर पे वो अपने घरों में सुकून से नहीं रह सकते थे, वो यानी जो फिरौन बादशाह था इतने प्रोटेक्शन के बीच में रहता था, उसके बिस्तरों पे से हमेशा टिड्डी निकलती थी, उसके यानी कि उसके जो हमाम है उसके जो आराम यानी गुसल खाना है उसमें से टिड्डियाँ निकल रही हैं, और जिस जगह ट्रैवल कर रहा है हर जगह टिड्डियाँ इंसानों के जिस्म पे वो बैठ रही हैं, तो बहुत ही इरीटेटिंग और बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है जब इस किस्म के जो यानी जानवर या इस किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में किसी कम्युनिटी के अंदर आ जाएं। आप में से जो लोग पुराने हैं या जो लोग यानी जिनका ताल्लुक थोड़ा खेती बाड़ी से है वो जानते हैं कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें यानी फसलों पे कुछ कीड़ों का अटैक होता है, तो ये बहुत छोटे लेवल पर उसको समझने के लिए है कि वैसी सिचुएशन में लोग बड़े परेशान हो जाते हैं उन कीड़ों को। तो अब आप इमेजिन कीजिए जब अल्लाह की तरफ से खुसूसन प्लानिंग के तहत और मज़ा चखाने के लिए अगर टिड्डियों की तादाद बढ़ा के फिरौनियों के पास आई होंगी तो उनका क्या आलम रहा होगा, जैसा कि तफासीरी किताबों में मेंशन है कि वो अपने बिस्तरों पे सो नहीं पाते थे, वो अपने हमाम में गुसल नहीं कर पाते थे, वो अपने जो है वो खानों की जगहों पे बैठ कर खाना नहीं खा पाते थे, इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियों को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर भेज दिया था, ठीक। और ये चीज़ें क्यों की थी, लाल लहुम यदक करूँ, ताकि ये नसीहत हासिल कर लें, जैसा कि पीछे बयान किया गया। वल कुम्मल, और क्या भेजा था अल्लाह ताला ने, कुम्मला कहते हैं बहुत छोटे छोटे ऐसे कीड़े जो इंसान के जिस्म में पैदा हो जाएं, ठीक है, एक ओपिनियन कुम्मला के बारे में यही है। तो यानी एक तो टिड्डियाँ भेजी, एक तूफ़ान भेजा जो यानी अननोन किस्म की बीमारियाँ फैल गई उनके कौमों में, और ये चीज़ें जो है जैसा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये हर साल अलग अलग हुई हैं, ऐसा नहीं कि एक बार में ये सारी चीज़ें हो गई, एक साल बीमारियों का आया है बहुत ज़बरदस्त जिसमें बहुत लोगों की अमवात हुई, बहुत लोगों की डेथ हुई, फिर अगला साल जो हुआ वो टिड्डियों की तादाद उनकी इतनी बढ़ गई कि वो फिर जो है सुकून से नहीं रह सके, फिर अगला साल जो मामला हुआ वल कुम्मला, कुम्मला ऐसे कीड़ों को कहते हैं जो जिस्म के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान को बहुत तेज़ ख़ारिश, बहुत तेज़ इरिटेशन होती है, बहुत तेज़ जो है बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है, वो खून को चूसते रहते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें जो है उनके साथ सिक्वेंशियल वे में होती रही। वज़्ज़फ़ादिअ, ये कहते हैं मेंढक, मेंढक, अच्छा अगले साल फिर क्या हुआ, ये कीड़े जब ख़त्म हो गए एक साल, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है मेंढकों की तादाद जो है इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि दरियाए नील में मेढक के मेढक जो है वो तैरने लगे, पूरा का पूरा दरियाए नील में मेढक जो है वो जम गए, फिर इनके बर्तनों में मेढक जम गए, जैसा कि तफसीर इब्न कसीर और रुहुल मानी वगैरह में लिखा हुआ है कि ये जो अपने बर्तन खोलते थे खाने के लिए तो उसमें मेढक मौजूद पाते थे, पानी पीने के लिए खोलते थे तो उसमें मेढक मौजूद पाते थे, नहाने जाते थे तो वहाँ मेढकों की तादाद होती थी। तो इस तरह से यानी पूरी फिरौनी कौम का जो है जीना दोभर हो गया। अल्लाह ने ये छोटे अजाबों के ज़रिए उनको ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए
कि तुम अगर मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथियों पर ईमान नहीं लाओगे तो बिलआख़िर जो तुम्हें अज़ाब आना है वो बहुत बड़ा है। और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब आते हैं दुनिया के अंदर, आज भी आप देख रहे हैं। और क़यामत की निशानियों में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैलेंगी कि तुम्हारे बाप आबाओ अजदाद उन बीमारियों के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आज आप देखते हैं कि जो बीमारियाँ फैल रही हैं उनका एक ज़ाहिर कॉज है जो आप जानते हैं, यानी वायरस वगैरह और इस तरह की चीज़ें, वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें, ये कॉज को जो है ना अल्लाह ताला ही ताकत देता है, सलाहियत देता है कि कॉज इफ़ेक्ट में तब्दील हो पाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी इज़ अ कॉज टू पुल समथिंग डाउन, राइट। ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, तो ग्रेविटी इज़ द कॉज। लेकिन किसी चीज़ का नीचे गिरना इफ़ेक्ट जो है, इफ़ेक्ट ऑफ दैट कॉज कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द विल ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो इस चीज़, इस माइन्यूट फ़र्क को समझिए कि कॉज अपने आप में इफेक्टलेस होगा अनलेस अल्लाह गिव्स द कॉज द एबिलिटी टू इम्पार्ट इफेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह का मामला जो है वो होता है बीमारियों का भी और इस तरह की तमाम चीज़ों का, कि ये अल्लाह की तरफ से हकीकतन होती हैं। उनके ज़ाहरी एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, बट एक्सप्लेनेशन डज नॉट मीन कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती हैं। वल्दम, और पाँचवीं चीज़ जो उनके ऊपर आई, पाँचवें साल में जो उनके ऊपर आई, वो ये कि खून की तादाद जो है वो हर जगह खून बहना, खून बहने से मुराद ये ना समझें कि वो मर्डर वाला मामला है, नहीं, बल्कि जो वो कहीं भी बैठते थे तो वहाँ खून लगा हुआ देखते थे। और आप जानते हैं कि खून से इंसान की तबीयत में कबाहत महसूस होती है, यानी अगर हर जगह आप खून लगा देखें और सूखा खून और गीला खून इस तरह की चीज़ें देखें तो इंसान की तबीयत के अंदर जो है कबाहत महसूस होती है, तकलीफ़ होती है। और ये चीज़ कभी कभी हो तो फिर इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन सुबह शाम दिन रात अगर ये चीज़ सालों साल चलती रहें तो ज़ाहिर है कि बहुत तकलीफ़दह सिचुएशन है जिसका जो है वो हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कुव्वत और ताकत और इख्तदार और पार, इन सब के बदौलत जो है इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो यानी ये चीज़ें जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो ये छोटे अज़ाब थे, अल्लाह ने फरमाया आयातें मुफस्सिल आतें, ये छोटी ये निशानियाँ थीं जो तफसील बयान करती थी, यानी वाज़ह निशानियाँ थीं अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए, क्योंकि ये जो बीमारियाँ फैली हैं और इस तरह की जो सिचुएशंस पैदा हुई हैं वो बिलउमूम फिरौनियों के अंदर थी, बनी इसराइल जो है इससे महफूज रहे। फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन, तो फिर अल्लाह ने बयान किया कि फिर उन्होंने इसके बावजूद तकब्बुर इख्तियार किया, घमंड की रविश पर कायम रहे, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए और वो मुजरिम कौम में से शामिल हो गए। वलम्मा वक़ा अलैहिम अर्रिज़्ज़ु, तो जब भी उन पर कोई अजाब आता, कोई परेशानी आती, अब बनी इसराइल की एक रविश दिखाई जा रही है, ये भी आप महसूस कर सकते हैं अगर बारीक बीनी से अपनी सोसाइटी का भी मुताला करें और दुनिया की दीगर सोसाइटीज़ का भी, तो देखेंगे कि ये चीज़ भी आपको ट्रू होती हुई महसूस होती है कभी कभी। वलम्मा वक़ा अलैहिम अर्रिज़्ज़ु, जब उन पर कोई अल्लाह का अजाब आता, क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बका बिमा अहद इंदका, जब उन पर कोई अजाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि ए मूसा अपने रब से आप दुआ कर दीजिए हमारे लिए, यानी आपका और आपके रब के दरमियान एक अहद है, एक वादा है, एक कनेक्शन है, उस वादे के तहत जो है ए मूसा आप हमारे लिए दुआ कर दें कि ये बीमारियाँ जो हैं और ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो अजाब हमारे ऊपर आ रहा है, ये अल्लाह ताला हमसे दूर कर दे। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि मुश्किल और परेशानी के वक्त मुशरिकीन के जहन में भी यानी वो खुदा का, एक खुदा का, एक यूनिफाइड रब का तसव्वुर आता है। इस पर बहुत तफसीली कलाम जो है सूरह यूनुस के अंदर हुआ है, तो अभी ये मौका नहीं है यहाँ पर इस पर बात करने की, लेकिन मेरा बात का मकसद ये है कि आप इसको महसूस कर सकते हैं कि जब अजाब और परेशानी की शिद्दत होती है तो लोगों के दिल थोड़ी देर के लिए नर्म होते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम से भी यही उन्होंने रिक्वेस्ट की, लइन कशफ्त अन्न रिज्ज़, तो अल्लाह फरमाता है कि जब उनसे उनका यानी नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वो खुद कहते हैं कि अगर ये जो अजाब है वो अगर हमसे दूर कर दिया जाएगा, लनुमिनन्न लका, तो हम लाजमन आप पे ईमान ले आएंगे। गोया कि वो या तो ज़बानी ये बात कहते थे या कम से कम दिल में ज़रूर ये सोचते थे कि अगर ये चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ठीक हो जाती है तो हम मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आएंगे। वलनुरसिलन्न मअका बनी इसराइल, और हम लाजमन बनी इसराइल को आपके साथ रवाना कर देंगे। गोया कि उन्होंने दो वादा किया कि अगर हम पे से अजाब हट जाए, हम पे अल्लाह का जो यानी परेशानियां अल्लाह की तरफ से आ रही हैं, अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम आपकी दुआ से अगर हट जाती है तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम आप पे ईमान ले आएंगे, आपकी दावत को कबूल कर लेंगे और बनी इसराइल को आपके साथ रवाना कर देंगे। फलम्मा कशफना अनहुम अर्रिज़्ज़ा, और जब हमने उनकी इस अजाब को दूर कर दिया, इला अजलिन, कुछ वक्त के लिए, हुम बालिगुहु, जो उन पे पहुंचा था, इज़ हुम यनकुसून, तो फिर वो अपनी बातों से पलट गए, ठीक है, वो अपनी अहद से
पलट गए। गोया कि ये जो वादा उन्होंने किया था कि मूसा अगर आपकी दुआ से ही चीज़ ठीक हो जाएगी तो हम आप पे ईमान ले आएंगे, तो वो वादे से फौरन पलट गए जब ये परेशानियाँ दूर हो गई। और अल्लाह यकीनन इस बात को जानता था कि वो वादे से पलट जाएंगे, इसके बावजूद अल्लाह ने उन पर अज़ाब हटाया। गोया कि अल्लाह ताला ये सुन्नतें अपनी क्यों अदा करता है, ताकि बंदों पे खुद उनका बातिल होना साबित हो जाए, ठीक है, और दूसरे बंदों पे भी ये बात साबित हो जाए कि ये लोग जो हैं ये अज़ाब के मुस्तहिक हो गए। गोया अल्लाह ताला के हुज्जत को पूरा करने का ये तरीका है, वरना अल्लाह तो पहले भी जानता था कि ये बदअहदी करेंगे, अहद शिकनी करेंगे, तो झूठा वादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो जब दिलों में पैदा होने वाले ख्याल से वाकिफ़ है और दिलों में जो ख्याल पैदा होंगे उनसे वाकिफ़ है, तो फिर ये हकीकत अल्लाह से ऐसा कैसे हो सकता है कि मुनकशिफ ना रही हो अल्लाह के ऊपर। अल्लाह तो ये तमाम यानी फ़ाइल हकीकी है, हर शय जो है वो अल्लाह के करने से होती है, तो अल्लाह पे ये चीज़ बिल्कुल वाज़ा थी। लेकिन अल्लाह ने हुज्जत तमाम करने के लिए, ख़ुद उन पे ये बात वाज़ा करने के लिए, देखो तुम कैसे झूठे वादे करते हो, देखो तुम्हारा मामला कैसा जो है वो कभी इधर का हो जाता है कभी उधर का हो जाता है। फ़अंतकमना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा ग़ाफ़िलीन। अब अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई है कि इसके बाद हमने उनसे अज़ाब ली, अज़ाब उनको अज़ाब दिया और उनको इंतकाम लिया। गोया कि अल्लाह ताला से उनकी जो बदअहदी थी, अल्लाह ताला से बार बार जो उन्होंने वादा करके तोड़ा था, उस पर अल्लाह ने फरमाया कि इसके बाद हमने उनसे बदला लिया। फ़अग़रक़नाहुम और उन्हें डुबो दिया, फिल यम्मी पानी के अंदर, यम से मुराद वाटर बॉडी होती है। और ये वाक़या जो फ़िरौन का है वो हम इंशाल्लाह तफसीली ज़िक्र सूरह यूनुस की दो तीन आयतें हैं, आयत नंबर 90, 91, 92, ये नेक्स्ट टर्न पे हम वो पूरा वाक़या तफसीली पढ़ेंगे कि फ़िरौनियों का जो लश्कर है वो कैसे गर्क हुआ पानी के अंदर और मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ ही कैसे बच गए और फिर वो बच के कहाँ चले गए, इसका जिक्र जो है वो आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक शॉर्ट कमेंट्री दी है इस पूरे वाक़े की, वो फरमाया कि इस तरह हमने इंतकाम लिया, मिनहुम उनसे फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि और उन्हें डुबा दिया पानी के अंदर यानी दरियाए नील के अंदर, बिअन्नहुम इस वजह से कि वो कज़्ज़बू बिआयातिना हमारी निशानियों को झुठलाते। वो है कि बार बार अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नसीहत आ रही है, बार बार अल्लाह ताला छोटी परेशानियों को डाल के उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रहा है, उनको हिदायत देना चाह रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है वो घमंड के बिना पे, उन्होंने जो है वो तकब्बुर के बिना पे, अपनी बड़ाई के ख्याल बातिला के तहत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का मुसलसल इनकार करते रहे, और न सिर्फ इनकार करते रहे बल्कि बनी इसराइल को ज़ुल्म व सितम भी करते रहे। वकानू अनहा गाफिलीन और वो हमारी आयतों से गाफिल भी रहे, पहलू तही करते रहे, उन पर ध्यान नहीं दिया है ना। और ये रविश आम तौर पे इंसानों की अजीम अक्सरियत के अंदर होता है कि अल्लाह की निशानियाँ सुबह शाम आप देखते हैं, सुबह शाम अल्लाह के निशानात जो हैं वो कायनात के अंदर, ज़मीनों के अंदर, खुद हमारे जिस्म के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, खेतों के अंदर, जानवरों के अंदर, माहौलियात के अंदर, हर तरफ जो है वो अल्लाह की निशानियाँ देखने के बावजूद इंसान अपने जहन को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करता कि इन पर गौर करें, क्योंकि जहनी तो जहन को इस्तेमाल करना और इन चीज़ों पर गौर करना जो है वो एक यानी एक आसान काम नहीं है, इन पर गौर करना इस तरह से आसान नहीं है कि इसके लिए एफर्ट लगता है। तो इंसान जो है वो आम तौर पे जब अल्लाह का अज़ाब नहीं आता उसके ऊपर, वो इसी रविश पे कायम रहता है कि गौर व फिक्र बिल्कुल नहीं करता है, वो अल्लाह की आयतों पे बिल्कुल गौर नहीं करता, अल्लाह की बड़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, निज़ाम कायनात किस तरह चल रहा है उस पर बिल्कुल गौर नहीं करता, सुन्नत इलाही कैसे यानी अल्लाह ताला ने किस तरीके पे जो है वो निज़ाम कायनात को चलाता रहता है, कौन कौन सी अल्लाह ताला की मेथडोलॉजीज़ हैं उन पर गौर नहीं करता, तो इन चीज़ों से पहलू तही करता है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगा रहता है। ये इंसानों की अज़ीम अक्सरियत का मामला है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी सैड बात है कि अल्लाह ताला ने निशानियाँ ऐसी ऐसी रखी हैं कायनात के अंदर जिसके लिए आपको बहुत जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारी निशानियाँ देख सकते हैं अल्लाह ताला की, लेकिन इसके बावजूद इंसान जो है वो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना में इतना डूब जाता है कि वो उसका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जाता, और फिर इसी रविश पर पूरी ज़िंदगी गुजारता है। वो एक उम्र हुई, उसने पढ़ाई की, इल्म हासिल किया, और फिर जो है वो उसने जॉब की, और फिर जॉब में इस तरह डूबा कि दिन भर जॉब करता रहा, शाम आया तो उसने जो है वो कुदरत इलाही बिल्कुल गौर नहीं किया, अल्लाह के किसी अहकाम पर गौर नहीं किया, अपनी ख्वाहिशात पूरा की, सो गया, फिर अगले दिन इसी तरह का मामला रहा, और एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ इन्हीं चीज़ों में इंसान का सर्फ हो जाता है। तो उसकी ज़हनी सलाहियतें जो अल्लाह ने बनाई थी, जो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि कायनात पर गौर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात और ज़ात को पहचान सके, इससे वो बिल्कुल महरूम रहता है पूरी ज़िंदगी। तो ये जो सुबह शाम की जो फ़िक्रें हैं इंसान की, वो अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, फ़ी नफ्स ही इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जॉब करें, बल्कि अच्छी चीज़ है
कि आप अच्छे से जॉब करें और यानी पैसा कमाएं और फिर जो है अपने घर वालों पे खर्च करें, गरीबों पे खर्च करें, लेकिन इस काम को करने में इतना ज़्यादा इंसान अब ज़हनी तौर पर मशगूल हो जाए कि फिर उसको बिल्कुल मौका ना हो दीन की किसी बात पे गौर करने का, बिल्कुल मौका ना हो कि पेड़ पौधों पे और अपने इर्द गिर्द की कायनात पे गौर करने का, तो फिर उसकी अकली सलाहियतें जो हैं वो बेकार हैं। वरना फिर उसकी अकली सलाहियतें, फिर वो जो उसके अंदर हैवानी तकाज़े हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जो उसकी भूख है, जो उसकी प्यास है, जो उसकी दूसरी ख्वाहिशात हैं, उनकी ही पूर्ति में उसके तमाम अकली सलाहियतें अगर सर्फ हो जाएँ, तो वो अकली सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद हदीस कुदसी में फरमाता है कि ए अक्ल तू मेरी सबसे बेहतरीन तखलीक है, उस अक्ल की सबसे बड़ी नाकदरी ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हैवानी तकाज़ों को पूरा करने में उस अक्ल को लगाए। इसका ये मतलब नहीं है कि उन तकाज़ों को फुलफ़िल ना किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, जायज़ तरीक़े से बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ अक्ल का इस्तेमाल इन्हीं हैवानी तकाज़ों को, इन्हीं एनिमलिस्टिक डिज़ायर्स एंड नीड को पूरा करने में लगा दिया जाए, तो अक्ल जैसी बुलंद शय को बहुत छोटे काम के लिए इस्तेमाल करना हुआ। ये यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास तलवार दी जाए और तलवार से प्याज आप काटने लगें, तो यही मामला, ये मिसाल यही है, या आपको बंदूक दी जाए और बंदूक से जो है आप सूटकेस खोलने का काम करेंगे, सूटकेस में गोली मारें, सूटकेस में छेद हो जाए और फिर उसको खोल दें, तो यानी जो चीज़ जो आला आपको दिया गया है बड़े काम के लिए, उसको अगर आप छोटे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आला भी अपने आप में जो है वो ख़राब हो जाएगा वक्त के साथ। तो यही चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया, वह कानू अनहा गाफिलीन, वो हमारी निशानियों से गाफिल रहे। और ये अजीम अक्सरियत इंसानों का मामला ये है कि वो अकली सलाहियतों को अल्लाह की निशानियों पे गौर करने में नहीं इस्तेमाल करते। इसी वजह से अल्लाह से दूरी की एक बहुत बड़ी सबब जो है और अल्लाह की से कुर्बत के ना होने की बहुत बड़ी सबब ये है कि इंसान अपनी जहन को अल्लाह की तख्लीक पे गौर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह की निशानियों पे गौर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इंशाल्लाह इस लेसन के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे और हम नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट संडे का जो हमारा प्रोग्राम होगा, मोस्ट प्रॉबली 1st of August को है संडे, तो उस दिन जो हमारा प्रोग्राम होगा वो उसमें हम सूरह यूनुस की 3 आयतें पढ़ेंगे और सूरह कसस की 4 आयतें पढ़ेंगे, टोटल 7 आयतें हैं। और इन 3 + 4 यानी टोटल 7 आयतों के अंदर फिरौन और उसकी कौम को अल्लाह ने जो गर्क किया है और बनी इसराइल को जो बचा के निकाला है मिस्र से, उसका तज़किरा हम तफ़सीली तौर पर पढ़ेंगे और वहाँ जो नसीहतें होंगी इंशाल्लाह उसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अभी हमने सूरह आराफ़ के अंदर आयत नंबर 137 तक कवर कर लिया है, 136 तक कवर कर लिया है, और अब हम सूरह आराफ़ की जो बाकी आयतें हैं यानी 137 to 157 ये 21 आयतें बचती हैं, वो हम इन 7 आयतों के बाद पढ़ेंगे। जो हमने 7 आयत नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे, सूरह यूनुस की 3 आयतें, सूरह कसस की 4 आयतें, टोटल 7 आयतें हम 1st August को कवर करेंगे। बचती हैं उसके बाद की 21 आयतें, वो 21 आयतें इंशाल्लाह उसके बाद 3 या 4 या 5 टर्न में वो कंप्लीट हो जाएंगी 21 आयतें। ये जो 21 आयतें के कवर होने के बाद सिर्फ एक वाक़या हमारा जो है वो इंडिविजुअल बिल्कुल आइसोलेटेड वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मामला हुआ जिसका जिक्र सूरह कहफ़ के अंदर है, वो पढ़ के हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि 7 या 8 लेक्चर और बचते हैं इस सीरीज़ के इख्तिताम में, और उन 7 और 8 लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपके सामने वाज़ह कर दिया है। सूरह यूनुस की 3 आयतें, सूरह कसस की 4 आयतें, फिरौन के गर्क होने के सिलसिले में वो नेक्स्ट टर्न पे, इसके बाद 21 आयतें हम पढ़ेंगे बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की, जो अब बनी इसराइल की तरबियत का मामला होगा फिरौन के खात्मे के बाद। तो मूसा और फिर बनी इसराइल का जो मामला है दावत व तबलीग और इस्लाह का अलैहिस्सलाम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन 21 आयतों के अंदर। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, बहुत पुर इसरार मामला है वो भी हम सूरह कहफ़ की खूबसूरत वाक़े के ज़रिए पढ़ेंगे, वो 1 या 2 लेक्चर उसमें लगेगा। इंशाल्लाह टोटल 7 या 8 लेक्चर और बचते हैं इस सीरीज़ के अंदर। मैंने चाहा कि आपके सामने थोड़ी एक पिक्चर, ब्रॉड पिक्चर क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमने पढ़ा अल्लाह ताला उसके दर्जे को मुझे तथा समाए और अमली ज़िंदगी में उसके कुछ मज़हर जो हैं वो यानी उसका कुछ इजहार हमारी अमली ज़िंदगी में भी हो जाए। तो आखिर दावाना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किन भाइयों का कोई सवाल है या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट वेट करूँगा उसका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।